और अब बात मुख्यमंत्री गहलोत के भरतपुर दौरे की। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कुम्हेर में राजीव गांधी ओलंपिक का अवलोकन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कबड्डी, खो खो, हॉकी, टेनिस बॉल के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कार्य और पशु चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण भी किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि छात्र जीवन में खेलेंगे तो खेल की भावना जगेगी। कुछ खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली है ओलंपिक में, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं रही। बाबा और पोता साथ खेल रहे हैं। हमने इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और एक साथ 2.25 लाख टीम बनी है। सारे जिलों में स्टेडियम बनवा रहे हैं, फंड की कमी नहीं है, मरीजों का इलाज फ्री हो रहा है। हमारे नौजवानों में जज्बा है, उनमें खेल के प्रति भावना है और छात्र जीवन से ही हम चाहते हैं कि वो जुड़े खेलों से, जिससे कि खेल के मैदान में खेलेंगे तो कई बातें सीखेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खेल की भावना से खेलेंगे तो आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत भी रहेगी सभी वर्गों के अंदर, सभी धर्मों के अंदर। आजकल फंड की कमी नहीं है। आजकल आप देखिए MLA के फंड अलग हैं, MP के पास फंड अलग है, सरकार पूरा प्रोत्साहन दे रही है, तो फिर किस बात की करनी है। ये तो काम वो है जो स्वस्थ रखता है, हेल्थ अच्छी रखता है, बीमार नहीं पड़ता आदमी, खेलता है, खिलाड़ी होता वो। जब सब सुविधाएं अपने पास में देने को है तो रुचि की आवश्यकता है और प्रदेशवासियों ने दिखा दिया, राजस्थान देश में किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहेगा, ये मैंने महसूस किया। अब ये खेल हर साल होंगे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, हमने उनके लिए कार्ड बना दिया RGHS का, बीमारी के लिए, अब इलाज के लिए कुछ सीमा नहीं है उसके अंदर। जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबरों को होती है, केंद्रीय कर्मचारी होती है, उसी ढंग से राजस्थान के कर्मचारियों को भी इस प्रकार की सुविधा दे दी गई है। पर साथ में जो चिरंजीवी योजना है जिसका भी जिक्र किया गया, हिंदुस्तान में कई नहीं है, 10 लाख का बीमा प्रीमियम सरकार दे रही है। पैसे वाले को ही है सिर्फ 850 रुपये दे दो, तमाम महिलाओं को 1,35,00,000 महिलाएं परिवार हैं राजस्थान में अभी तक जुड़े हैं, 1,35,00,000 परिवारों को महिला को मुखिया बनाया गया घर का, उन सबको स्मार्टफोन दिए जाएंगे नंबर 1, नंबर 2 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री दी जाएगी उस मोबाइल फोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर। ERCP में हमारा दबाव पड़ेगा तो कभी न कभी इनको झुकना पड़ेगा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी पड़ेगी, और ये तो कल करेंगे वरना 13 जिले वाले BJP को सफाया कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक नया प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में किया, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। देश में कहीं भी इस प्रकार के हर ग्राम पंचायत से लेकर के 6 खेल खिला करके और स्टेट लेवल तक किसी प्रकार के खेल कभी भी नहीं हुए। सरकारी स्कूलों में जरूर टूर्नामेंट होते थे लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का एक अवसर, मेलजोल बढ़ाने का एक अवसर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने दिया। आज सब जगह चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है कि ये जो सरकार 3.5 साल से काम कर रही है, 4 साल के लगभग हो गए हैं, ये अच्छी अच्छी फ्लेक्सिबल योजनाएं दे रही है, अच्छे नवाचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं और अच्छा बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 4 बजट जो दिए हैं, एक से बढ़कर के एक बजट देने का काम किया है। तो किसानों को पानी चाहिए। अब हमारा सरसों आ रही है, बुवाई आ रही है, अब्बल तो बारिश ना हुई लेकिन जैसे तैसे परे करके पानी नीचे जमीन में ना आए, पानी सब जगह पर हमारा रोक रखो, हमें ज़रूरत है पानी की, वो तो आप इंतजाम कर ही देंगे लेकिन खाद तक नहीं मिल रहा भरपूर, खाद का ब्लैक हो रहा है, ये आपके सामने कहना चाहता हूँ। जिला कलेक्टर ने FIR भी कराई है
लेकिन कार्रवाई, मेरा निवेदन है जिला पुलिस अधीक्षक से और आईजी साहब से कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दलालों को जो गरीब किसान के पेट पर लात मार रहे हैं और ब्लैक में खाद बेच रहे हैं।